राधे राधे दोस्तों, हरे कृष्णा। मेरे प्रिय व्लॉग्स में आपका स्वागत है। तो चलिए आज देखते हैं हमने राधा अष्टमी कैसे मनाई है। तो दोस्तों, वीडियो थोड़ा सा लेट हो गया है, तो अभी मैं अपलोड कर रही हूँ ये वीडियो। तो देखिए, आप इसके पहले के वीडियोस भी देख नहीं गए हो तो प्लीज़ देखिए, और मेरे कन्हैया व्लॉग्स चैनल को सपोर्ट दीजिए। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना दोस्तों। तो देखिए, मैंने कितना सुंदर ड्रेस बनाया है मेरी राधा रानी के लिए। बहुत ही सुंदर ड्रेस बनवाया है उन्होंने, मेरी लाडो रानी ने। तो देखिए, बहुत ही सुंदर ड्रेस बनवाया है मेरी राधा रानी ने। तो देखिए, फिर मैंने उन्हें अच्छे से अभिषेक कराकर फिर मैंने उनका श्रृंगार किया है। देखिए कितनी सुंदर लग रही है ये ड्रेस पहन के मेरी राधा रानी। तो मेरे पास राधा रानी तो नहीं है, तो मैं अपने लड्डू गोपाल जी को ही मैं राधा रानी का रूप देती हूँ, तो वो उसी रूप में आ जाते हैं। देखिए, आप खुद भी देख सकते हैं मेरी लाडो रानी कितनी सुंदर दिख रही है, कितना सुंदर रूप उनका आया है। तो देखिए, वो तो मतलब बहुत ही, अब उनके बारे में तो बोलना यही है, बातें कम है उनके बारे में बोलने के लिए, लेकिन उनके बारे में हम बोल भी नहीं सकते। इतनी सुंदर उनका श्रृंगार करवाया उन्होंने, और वो देखिए कितनी सुंदर दिख रही है। तो कितनी सुंदर और मुस्कुरा भी रही है मेरी लाडो रानी। तो देखिए, ऐसे ही श्रृंगार किया था मैंने अपनी रानी का। तो देखिए, बहुत ही सुंदर श्रृंगार आया था और बहुत ही सुंदर ड्रेस भी बनवाया था उन्होंने। तो ये सारे मतलब श्रृंगार करके तो मैं बहुत खुश हो रही थी, क्योंकि मैं आज आपको और एक बात बताना चाहती हूँ। क्योंकि मेरी कोई बेटी नहीं है, तो मुझे बेटियों बहुत पसंद है, तो मैं अपनी राधा रानी को ही मैं अपनी बेटी समझती हूँ। तो देखिए, मैंने फिर उनके लिए दही अरबी की सब्ज़ी बनाई और खीर बनाया, उनके लिए पूरी बनाई और एक मसाले की सब्ज़ी बनाई। फिर मैंने उनको बहुत ही अच्छे से भोग लगाया, फिर उन्होंने भोग मतलब स्वीकार किया मेरे हाथों से। और फिर मुझे उस दिन थोड़ा बाहर जाना था हॉस्पिटल में, तो फिर उसके बाद का मैं वीडियो बना नहीं पाई, लेकिन जितना मुझसे हो पाया मैंने उतना वीडियो बनाया है। और अभी ये अपलोड करने के लिए भी मुझे लेट हो गया। राधा रानी का जो श्रृंगार था मैंने तो आपको शॉर्ट के रूप में दिखा दिया, लेकिन अभी फुल वीडियो मैंने अपलोड नहीं किया था, तो अब मैं अपलोड कर रही हूँ। तो देखिए, प्लीज़ मेरे कन्हैया व्लॉग्स चैनल को प्लीज़ सपोर्ट दीजिए। आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, तो आप प्लीज़ सपोर्ट दीजिए और मेरे कन्हैया व्लॉग्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए कितनी सुंदर दिख रही है मेरी राधा रानी। मैंने उनका पूरा श्रृंगार, उनका जो भी सेवा बनता था मुझसे, मैंने वो सारी चीज़ें कर कर ही मैं हॉस्पिटल गई थी। तो उस दिन हॉस्पिटल जाना था मुझे, तो इसीलिए मैंने आगे का वीडियो नहीं बनाया। तो देखिए, मैंने उनके साथ थोड़ा सा अच्छे से वीडियो वगैरह निकाल लिया उनको, मतलब भोग वगैरह कराने के बाद मैंने थोड़ा सा उनको ऐसे ही मतलब उनका श्रृंगार, उनका ड्रेस वगैरह सब दिखाने के लिए आप लोगों को मैंने ये सारी वीडियो शूट की थी। आपको वीडियो कैसी लगी है आप मुझे कमेंट की